नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बाजू के घर में क्या कर रहा था रे तू? बड़ी लंबी गर्दन है तेरी, हाँ? इंडिया में बैठा है और लंदन में झांक रहा है। तेरी परछाई पर मैंने अपनी निगरानी लगाकर भेजा था। तू मेरी आंखों से ना छुप सकता है ना छुपने की कोशिश करना। अब काम पे लग जा, जिस काम के लिए तुझे वहां भेजा गया है। तेरा पहला टारगेट है जैक, वो जगत जोगिया का आदमी है। उसे तो जगत जोगिया का पता निकाल और फिर उसे खत्म कर दे। इस वक्त वो हिल्टन क्लब में है। टेल हिम एंड कॉल मी बैक। Yo, get out. Hey, what's your problem? तकलीफ क्या है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे सारे देश को तकलीफ है, तुम जैसे लोगों से। अब तू बहुत तकलीफ में आने वाला है। बता, तेरे ग्रुप के कौन कौन से लोग यहाँ मौजूद है? बता, बताता हूँ, बताता हूँ। यहाँ तेरे और कितने लोग मौजूद हैं? बोल। सोमराज, छोटा पठान, मुन्ना नेपाली। क्यों आया यहाँ? जगत जोगिया ने मीटिंग बुलाई। कब? परसों। कहाँ? कहाँ? बेटा। नहीं, नहीं, नहीं। शोभराज, छोटा पठान और मुन्ना नेपाली लंदन में है। परसों जगत जोगिया ने कोई मीटिंग बुलाई है। कहां ये बताने से पहले जैक ने साइनाइड की गोली खाकर सुसाइड कर लिया। सकीना, सर, तुम लंदन जाने की तैयारी करो फौरन। यस सर। ऑफिसर, सर, इन तीनों के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो लेकर अभी आओ। सर, शोभराज का छोटा भाई देवराज राणा चौक से अपने धंधे ऑपरेट कर रहा है। राणा चौक। Wow!
कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़ के? अरे सब तो थे ना। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारा फैसला सुनना था। कहा था ना लड़का देखे बता देना, अच्छा लगा कि पूरा? अरे मिनी मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना पड़ा। अयो रब्बा, मेरी शादी से भी जरूरी काम? अगर मेरी शादी किसी गलत लड़की के साथ होगी तो क्या होगा मेरा? यूसी बाप रे, I'm sorry, यूसी। अच्छा ये बताओ लड़का कैसा लगा? जानते हो उस जॉली ने मामा जी से कहा उसे मुझसे अकेले में बात करना है, तो मुझे उसके साथ अकेले में बैठना पड़ा। अकेले में बैठते ही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया उसने। अगर तुम्हारे मामा मुझे तगड़ा पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना नहीं। आपका मतलब? यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, पैसों की बात तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ती, तभी तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। यू ब्लडी इंडियन। अरे बाप रे, अरे तुम तो बड़ी डेंजरस लड़की हो। मेरे वतन को लेके, मेरे गांव, मेरे मोहल्ले, मेरे अपनों को लेके कोई फिजूल की बात करे तो मैं थोड़ी डेंजरस बन जाती हूँ, खून उबलने लगता है मेरा। यू सी ब्लड बॉइलिंग स्टार्ट्स, आई बिकमिंग कश्मीरी एप्पल लाइक रेड, माइंड बिकमिंग सूरदास, नॉट थिंकिंग लेफ्ट राइट अप डाउन बैक फ्रंट, वतन के आगे मेरे को कुछ नहीं सूखता। क्यों, ठीक किया ना? नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। जानते हो उसे थप्पड़ मारते हुए मुझे ऐसा लगा था तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि घर में किसी को अच्छा नहीं लगा, सब शादी टूटने का मातम मना रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें डांटा तो नहीं? वो थप्पड़ की आवाज सुनते ही तुरंत टेलीफोन लेके लेके बैठ गए। कल मुझे किसी लड़की को देखने के लिए भेज रहे हैं यूसी। हाँ वो कह रहे थे कि उन्हें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझसे? आओ भी आओ। मैंने सोचा ये जगह तुमसे बातचीत करने के लिए बहुत अच्छी है, अपनी बातचीत हो जाएगी, रेस्टोरेंट वालों का हिसाब किताब हो जाएगा। कौन सा हिसाब किताब? यार इस रेस्टोरेंट वाले ने पिछले 3 महीने से मेरे लॉन्ड्री का बिल नहीं दिया हुआ। मैंने सोचा आज यहाँ दबा के खाना खाएंगे, सब एडजस्ट हो जाएगा। ए मिस्टर वेटर, इधर आओ भाई, 4 बिरयानी यहाँ लाओ, 8 पैक कर दो। ओके सर। खाना तो हम खा ही लेंगे, पहले आप वो बात तो करो ना। राजा यार प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्रेम नारायण की बड़ी फिक्र लगी हुई है। प्रेम नारायण? अजी प्रेम नारायण वो लड़का है जो अपने मिनी से रिश्ते के मामले में अकेले में मिलना चाहता है। तो इसमें डरने की क्या बात है, मिनी बहादुर लड़की है, अकेले में मिल लेगी। और यही तो प्रॉब्लम है, अगर मिनी ने पंजाबी स्टाइल के उसके एक थप्पड़ जड़ दिया उसके दांत आ जाएंगे बाहर और फ्यूचर हो जाएगा उसका डार्क। आप मिनी के फ्यूचर की परवाह करो ना, जॉली बेचारा तो थप्पड़ सह गया, अगर इस लड़के ने मिनी से बदतमीजी की तो फिर? अरे कोई बदतमीजी करके तो देखे, मैं तो तोड़ दूंगी हड्डियां उसकी। आप इसे फिजूल में ही साथ ले आए हो। मैं तो रेस्टोरेंट का बिल एडजस्ट करने के लिए लेके आया था। खैर कोई बात नहीं, देख तेरे रिश्ते की बात है ना, कान में चुंगल पा, कान में उंगली डाल। मामा जी डाल प्लीज, डाल 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 डाल। हाँ कान बंद, सुन तो नहीं रही? हाँ राजा देख, क्योंकि मैंने अभी तक उस लड़के को देखा नहीं है, तो मैं चाहता था कि जब ये आपस में मिले तो दूर से अगर तुम उस पर निगरानी रख सको तो। हेलो। सीधा हिल्टन होटल जा, वहां जगत जो गया, शोभराज, छोटा पठान और मुन्ना नेपाली, ये सब मौजूद है, जा और उनको खत्म कर। कैसे ये बताने के लिए सकीना तेरा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में इंतजार कर रही है। सकीना? लिख के भेजूं क्या? हाँ सुना नहीं, जो बोला वो सुन और ध्यान से काम कर। गुड लक। तुम यही ठहरो, मैं कुछ काम निपटा कर रहा था। कौन सा काम? वो कुछ लोगों से मिलना है। मैं भी चलूं? नहीं नहीं तुम यही ठहरो। ओके ओके। Thank you.
हेलो जीत। हाय सकीना। वेट अ मिनट। या क्या करना है? कपड़े बदलो पहले। क्या करना है? इंतजार। गुड मॉर्निंग रूम सर्विस, मे आई हेल्प यू सर? कुड यू सेंड मी अ कप ऑफ कॉफी, अ बॉटल ऑफ शैंपेन एंड सम सीरियल प्लीज, एंड मेक इट क्विक। वेरी वेल सर, इन 5 मिनट्स। थैंक यू। ये ट्रॉली ऊपर आईवी लॉन्च में लेकर जाना, बिल पर साइन लेकर वापस आना, ओके? बस। क्यों, एनी प्रॉब्लम? जोगिया साहब अपने प्रॉमिस के बहुत पक्के हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इंडिया को तबाह करेंगे। And a promise is a promise. इंडिया तबाह। बर्बाद। थैंक यू। ये तो जीत बलराज है। यस सर। ऐसे क्या देख रही हो? तुम अभी अंदर से आ रहे हो ना?
अगर लौटे में देरी हो जाती तो ऊपर वाले का इंसाफ हो जाता। हेलो सूर्या, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जगत जोगिया होटल में होना चाहिए था पर वो नहीं आया। फिर भी जीत ने बड़ी सफाई से ग्रुप के तीन खास आदमियों छोटा पठान, मुन्ना नेपाली और सोबराज इनका सफाया कर दिया। और एक खबर सूर्या, तुम्हारे कारतूस के बारूद में मिलावट हो रही है। What? Yes, सूर्या, जीत एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। थैंक यू सकीना। ये मिशन अभी इसी वक्त बंद करना होगा। क्या बात कर रहे हैं सर, हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, पहली बार जगत जोगिया के तीन आदमी मारे गए हैं। जगत जोगिया तो बच गया ना, और तुम्हारा ये जीत इश्क फरमा रहा है। सूर्या, अगर जीत की हकीकत दुनिया को पता चल गई तो हमारी नौकरियां तो जाएंगी, साथ में सरकार भी सकते में आ जाएगी, हमारे देश का अच्छा खासा मजाक बन जाएगा अगर तुम्हारा ये जीत इश्क फरमाते फरमाते पकड़ा गया तो। नहीं सर, पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर लंदन में जीत पर किसी ने भी शक किया तो मैं मिशन को एक तरफ करके उसे खत्म कर दूंगा। वैसे भी जोगिया की मौत के बाद वो मेरे हाथों मरने ही वाला था, मैं उसे पहले मार दूंगा। और जब तक वो जिंदा है मैं उसे मोहब्बत करने की इजाजत नहीं दूंगा।